हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही कशोदन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। तो ये जो वीडियो है वो फ्लिक्स विथ स्ट्रेट हेयर की है। तो किस तरह से करते हैं फ्लिक्स और स्ट्रेट कट हेयर कट, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। तो गाइस जो है कि सबसे पहले आपको आगे फ्लिक्स कट कर लेना है। तो जो मेरी क्लाइंट है इनको जो फ्लिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हेयर में चाहिए आगे, और जो फ्लिक्स कट करना है इनको तो इनको बाहर बहुत कम आना चाहिए और कान में फंसना चाहिए, इस तरीके से करना है। क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इनको जो है कि पढ़ाई में दिक्कत ना होनी चाहिए, इस हिसाब से इनको करना है कि ये कान पे रखना चाहे तो ये रख सकती हैं। तो इस हिसाब से कटिंग करना है, तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से माप ले रही हूँ, कितना इनको बता दे रही हूँ कितना हाइट पर रखना है। तो इस हिसाब से जो है आपको माप ले लेना है, क्लाइंट से क्लियर कर लेना है कि उनको कितनी हाइट रहने चाहिए, कितना कहाँ तक रखना है, पीछे पूरा क्लियर करके ही आपको कटिंग करना चाहिए। नहीं तो कटिंग करने के बाद में आप पूछेंगे या वो बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहता है। सबसे पहले आप जो है बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बता देंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने इनसे क्लियर कर लिया है कि उनको कितना चाहिए, उस हिसाब से अभी मैं जो है इनको कान में फंसना चाहिए उस हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। तो मैं जो उस हिसाब से कट कर रही हूँ कि यहाँ पर कान में फंसने के लिए, तो ये चिन पर कट करना है। यहाँ पर चिन पर कट करेंगे तो कटिंग जो है इस तरह से स्ट्रेट कर नीचे लाके कट कर देना है। आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मैंने किस तरह से सीधे लेके आई हूँ और कट कर दी हूँ। और आप भी फॉलो कर सकते हैं मैं किस तरह से गाइडलाइन करके हेयर को निकाला है, क्रॉस करके हाफ से सेक्शन लेके किया है हेयर कट को। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो फ्लिक्स कट है, अभी ये रखेंगे कान के पीछे तो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, बाहर ज़्यादा निकल के नहीं आएगा। मेरी क्लाइंट को एकदम परफेक्ट पसंद आया, इस तरह से मैंने जहाँ तक उन्होंने बोला था मैंने कटिंग करके भी दिखा दी। तो इस तरह से अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि फ्लिक्स कट कर दो और कान के पीछे रुकना चाहिए, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो फ्लिक्स कट कंप्लीट हो चुका है और अब हम पीछे करेंगे स्ट्रेट कट। यहाँ पर लॉन्ग हेयर है इनको, तो सिर्फ इनको ट्रिम करना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेट कट किस तरह से करते हैं ताकि प्रॉपर कटिंग आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पीछे से पूरा कोम कर लेना है हेयर में और बीच की मांग खोल लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने दो भागों में से डिवाइड कर लिया है हेयर को, बीच की मांग खोल ली है और पूरे हेयर को पतले कोम से मैंने कोम कर लिया है। और इस हिसाब से नीचे फंसा हुआ है इनका हेयर, तो मैं इसको पैंडल ब्रश से अच्छे से छुड़ा लूँगी, क्योंकि पैंडल ब्रश से बहुत ईजी फंसे हुए हेयर छूट जाते हैं और क्लाइंट को तकलीफ भी नहीं होती है। आप इस तरह से फंसे हुए हेयर में पैंडल ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर किया करिए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पैंडल ब्रश लगाया था, फटाफट क्लीन हो गया हेयर। तो अब इसमें जो है जितने हेयर डैमेज है ये उठा के आपको क्लाइंट को जो है कि आपको बोलना भी है कि कितना जो है इतना ख़राब है। तो अगर वो लेंथ ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा काटना है, कम बोलते हैं तो कम काटना है। मेरी क्लाइंट है इनको बहुत ही कम चाहिए, जो डैमेज है बस वही निकालना है। तो इस तरीके से बीच का पार्ट आप देख सकते हैं मैंने तीन भागों में डिवाइड कर लिया है, और जो बीच का जो है हेयर है उसको स्ट्रेट अपने फिंगर में लाना है। इस तरह से कोम अच्छे से कोम करना है, कोम करते हुए अपने फिंगर में ला के नीचे आप इस तरह से स्ट्रेट कट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों फिंगर में किस तरह से पकड़ के रखा था, उस हिसाब से मैंने जो है आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब ये हमारा माफ हो गया, और इसी में से साइड अब साइड के जो है हेयर उसमें के हेयर लेके और इसी के लेवल में हमको स्ट्रेट कट कर देना है। सिंपल, कभी भी साइड से कटिंग नहीं करें, इस तरह से कटिंग करेंगे तो एकदम प्रॉपर आएगा कट, कोई तरफ ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो हमेशा बीच से स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से देख सकते हैं आप कटिंग भी देख सकते हैं पूरी लेवल है, और थोड़ा थोड़ा हेयर करके कटिंग करें, एक बार में एक साथ में ना कटिंग करें, नहीं तो साइड से कम ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से फिंगर में फंसा के, और इस हेयर को जीरो पॉइंट पे कट करना रहता है, आपको उठाना नहीं हेयर को, एकदम बॉडी से टच करते हुए फिंगर को सिम में फंसा के इस तरह से स्टिक फंसाना है आपको, नीचे की तरफ लाना है और स्ट्रेट कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं कॉल करके दिखा दे रही हूँ आपको, पूरी जो कटिंग है एकदम प्रॉपर है, पूरे प्रॉपर स्ट्रेट है, डैमेज हेयर निकल चुके हैं।
तो इस तरीके से करना है आपको स्ट्रेट कट। मैं इसी तरीके से स्ट्रेट कट करती हूँ और जो हेयर कट है वो तो प्रॉपर आता है, एकदम बराबर आता है। तो अभी हम करने वाले हैं हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर जो है कि स्प्रे किया है ऊपर से नीचे तक, तो आपको फुल हेयर ड्रायर 100% करना है पूरे बालों को अच्छे से जो है हेयर ड्रायर कर दे रहा है। और जो मेरी क्लाइंट है इनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो हेयर ड्रायर करने से ही एकदम सॉफ्ट हो जा रहे हैं। इस तरीके से पूरे हेयर को आप चाहें तो पेंडल ब्रश से भी जो है हेयर ड्रायर कर सकते हैं। हेयर ड्रायर करते समय पेंडल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके बाल इतने सिल्की थे कि पेंडल ब्रश की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से मैंने हेयर ड्रायर किया और कोम से कोम कर दिया, तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट हो गया है क्योंकि इनके बाल सॉफ्ट है। तो अगर बाल कल से हैं तो आप इस तरह से पेंडल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हवा मारने के लिए और होल्ड करने के लिए मैंने देख सकते हैं आप टेलकम यूज़ किया था, तो कितना प्यारा लग रहा है टेलकम से फोल्ड करने पे। तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं टेलकम से। तो मेरा हेयर कट का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं।